वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे चलनी की मदद से आटा कैसे लगाएं, घर और किचन के कपड़ों को कम से कम जगह में कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें, गर्मा गर्म पानी हमने ट्रे में क्यों रखा है, ऐसे ही कमाल की यूजफुल टिप। देखिए, कपड़े को हम अगर ठीक से ऑर्गेनाइज ना करके रखे ना तो ये पूरे घर को उलट पुलट करके रख देता है, यानी पूरे घर में कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ आपको किचन डस्टर लेकर के बता रही हूँ। इस तरह के बॉक्स घर में हमारे होते ही हैं जब भी हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, तो इन बॉक्स को मत फेंकिएगा। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ किचन डस्टर को अरेंज करने का ट्रिक बता रही हूँ। तो यहाँ की जो किचन डस्टर है मैं इन्हें इस तरीके से रोल कर रही हूँ, तो आप भी ये कर सकते हैं। किचन डस्टर को अगर हम ठीक से ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो इससे जो हमारा किचन है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं दिखता है, सब दूर ऐसा लगता है जैसे क्लेटर फैला हुआ है। तो आप ना इस तरीके से किचन डस्टर को छोटे से बॉक्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े टॉवल है वो तो मैंने रख दिए हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे और मेरे पास डस्टर है, इनका भी मैं यूज करती हूँ किचन में, इनके भी इस तरीके से छोटे छोटे रोल कर लूंगी। ये रोटी रखने के लिए है, कुछ क्लीनिंग के लिए है, तो कुछ डब्बों को वाइप करने के लिए है। इस तरीके से अलग अलग मैं यहाँ पर डस्टर का यूज करती हूँ। कुछ हैंकी है जो कि खराब हो चुके हैं, जिसे मेरे बच्चे यूज नहीं करते हैं, तो इनका भी मैंने किचन में यूज किया है। और इस तरीके से छोटे छोटे आप रोल करके रखेंगे ना, जरूरी नहीं है आप ये किचन के लिए करें, आप चाहे तो बच्चों के जो डेली यूज वाले हैंकी है, सॉक्स है, कपड़े हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, उस तरीके से अगर आप रोल करके एक छोटे से कंटेनर या बॉक्स में रखेंगे तो कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे और बहुत कम जगह में बैठ जाएंगे। और अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी जगह है, मैंने थोड़े से कपड़े और इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए, आराम से आप इस तरह के कंटेनर या बॉक्स का यूज कर सकते हैं, वो ज्यादातर कपड़े इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे, एक टाइम पे एक ही कपड़ा बाहर आएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा आइस से जुड़ा हुआ है। इस तरह के आइस क्यूब आप भी जमाना चाहते हो इंस्टेंट और बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर, तो ये ट्रिक आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ मैं आपको पहले क्यूब निकाल के दिखा देती हूँ। ये क्यूब मैंने बहुत कम टाइम में अच्छे से सेट किए हैं, आधे घंटे का ही टाइम लगा मुझे और ये क्यूब जल्दी से जम गए थे। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जल्दी से जम जाए और बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो? तो आप जो भी पानी आइस क्यूब के लिए यूज करना है उसे पहले गर्म कर लीजिएगा, हल्का कुनकुना कीजिएगा, तेज गर्म मत कीजिएगा क्योंकि ये जो मोल्ड होते हैं प्लास्टिक के होते हैं। इसके बाद में आप इसमें पानी डाल दीजिएगा, जितना गर्म पानी होगा उतनी जल्दी से ये क्यूब जमेंगे और बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होंगे। आप इस ट्रिक को एक बार आजमा के देखिएगा। अगर आप भी आइस क्यूब जमाना चाहते हो जल्दी और बिल्कुल ही क्लियर, तो ये ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी आप देख सकते हो तपेली को मैंने कपड़े से पकड़ा है क्योंकि पानी ना गर्म है, तो गर्म पानी इसके अंदर डाल के देखिएगा। मुझे तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल लगी है, आपको भी उम्मीद करती हूँ अच्छी ही लगेगी। आप इस ट्रिक को आप फ्रिज में रख दीजिए, आधे घंटे बाद आप देखिएगा आपकी जो बर्फ है आराम से और जल्दी से जम जाएगी। छोटा सा हैक है, इसे भी यूज करके देखिएगा। चलिए देख लेते एक और कमाल का यूजफुल हैक। मौसम कोई सा भी हो हम रोटी कैसरोल में ही रखते हैं, अब पराठा हो या रोटी डायट अगर इसमें हम रखते हैं तो नीचे वाली जो रोटी है वो गीली हो जाती है, चिपचिपी होती है और खाने में यूज नहीं आती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कॉटन कपड़े का यूज करते हैं। अब होता क्या है, जब हम रोटियां इसके अंदर रखते जाते हैं तो एक भद्दी सी स्मेल या एक बहुत गंदी सी स्मेल इस कैसरोल में से आने लग जाती है। देखिए, वो स्मेल है ना रोटी की तो नहीं होती, वो होती है कपड़े की, गर्माहट की वजह से कपड़े में बैड स्मेल आ जाती है। तो आप यूज कीजिए इस तरह की प्लेट का, मेरे पास ये जाली वाली प्लेट है, आप इसका यूज कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो रोटी की भाप है वो भी नीचे बैठ जाएगी, नीचे वाली रोटी गीली नहीं होगी और इसमें से जो बैड स्मेल आने की दिक्कत है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप ना यहाँ पर कॉटन कपड़े का मत यूज कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चीज को करके देखी हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कैसरोल में से बैड स्मेल इसी कपड़े की वजह से आती है। कपड़े को अवॉइड कीजिएगा, स्टील की प्लेट यूज कीजिएगा। चाहे तो आप इस तरह की जाली वाली प्लेट ना हो तो आप ये जो नॉर्मल प्लेट होती है ना इसका भी यूज कर सकते हैं, पर यूज आप प्लेट का ही करके देखिएगा। आप 5 दिन कंटिन्यू करके देखिएगा, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। मैंने इसे करके देखा है, मैं इसे करती भी हूँ। इस तरह के कॉटन कपड़े का यूज मत कीजिएगा, इससे ना कैसरोल में भी बैड स्मेल आती है और जो नीचे वाली रोटी होती ना उसमें भी बैड स्मेल आती है। अगला यूजफुल हैक मेरा नारियल के तेल से जुड़ा हुआ है। नारियल के तेल का ज्यादातर यूज हम बालों के लिए ही करते हैं, पर इसका यूज आप क्लीनिंग के लिए भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ और कैसे हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को। ये एक लाइट है जो कि मैं किचन में वीडियो बनाने के टाइम यूज करती हूँ।
अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो इस पे भी चिकनाहट आ जाती है, जैसे कि हमारे घर के स्विच बोर्ड के ऊपर भी होता है। आपके घर के जितने भी स्विच बोर्ड होंगे, अगर उन्हें ध्यान से देखिए तो कंटिन्यू हम यूज करते हैं तो निशान होते हैं उस पे, हमारे फिंगर्स के निशान आ जाते हैं या वो गंदे हो जाते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को साफ करने के लिए आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइट के ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ, आप इसे स्विच बोर्ड पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉटन में इस तरीके से लीजिए, वाइप करना स्टार्ट कीजिए, जितनी भी चिपचिपी गंदगी होगी, जितना भी मेल इसके ऊपर जमा होगा, वो सारा का सारा ना कुछ ही सेकंड्स लगेंगे और सब कुछ बाहर आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा और इसे वाइप करती हूँ, देखते हैं ये और कितना गंदगी निकालती है। काफी ज्यादा ये लाइट ना चिपचिपी हो गई थी, किचन में यूज होने के कारण काफी सारा इसमें निशान बन गया था। तो इस तरीके से बस हल्के हल्के से आप वाइप कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। इसके वायर्स वगैरह भी ना खुले रहते हैं तो ये भी काफी ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। इससे पहले मैंने कोलगेट वाला ट्रिक आपको करके दिखाया था, तो कोलगेट ना थोड़ा महंगा भी पड़ता है और वो ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, तो आप उसकी बजाय नारियल तेल का यूज कीजिएगा। नारियल का तेल कम लगता है, 4-5 बूंद ही मुझे यहाँ पे लगा, बहुत ज्यादा नहीं। और इस तरीके से बस पकड़िए और खींचते जाइए वायर को, ये आराम से क्लीन कर देगा। आप यहाँ ये ट्रिक चार्जर के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि चार्जर भी टाइम के साथ गंदे हो जाते हैं। अब ये जो लाइट है या इस तरह का कोई लाइट है जो आप कम यूज करते हैं या चालू कम करते हैं, तो जैसे इस लाइट का मैं यूज कम करती हूँ और ये बहुत ज्यादा ना जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि इसकी डिजाइन ही कुछ इस तरीके से बनी हुई है। अब नॉर्मल एक कपड़ा लीजिए आप और हल्के से वाइप कर दीजिएगा, जितने दाग धब्बे हैं वो निकल जाएंगे। जितना कोशिश हो सके इसको कवर कीजिएगा, जैसे हम रिमोट को कवर करके रखते हैं वैसे आप क्लीन रैप से इसे भी कवर कर सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल ही प्लास्टिक है इसलिए मैंने इसे इस तरीके से आपको कवर करके दिखाया है। इसके ऊपर धूल मिट्टी जितनी कम लगेगी उतना ही ज्यादा कम गंदा होगा। उम्मीद करती हूँ ये नारियल तेल वाला ट्रिक आप एक बार जरूर यूज करके देखेंगे। मैं टच कर रही हूँ, मुझे इसके ऊपर कोई चिपचिपाहट चिकनाहट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। ये है एक नारियल तेल का कमाल, छोटा सा हैक है करके दिखेगा। है देखिए, हाँ महिलाएं ना घर में बहुत सारा काम करती है, दिन रात काम में लगी रहती है, कुछ ना कुछ इस तरीके के निशान हमारे हाथ में आ जाते हैं या कट वगैरह लग जाते हैं। आप ऐसे में क्या करें, अब खाना बनाने का काम हमारा रोज का ही होता है, तो यहाँ मुझे लगाना है आटा। आप चाहे तो यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं अगर आपके यहाँ किया जाता है, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ मैं छलनी की मदद से आपको आटा लगा के बताने वाली हूँ। ये है प्लास्टिक की छलनी, इस तरह की छलनी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस तरह का स्टील वाला स्टेनर या इस तरह की स्टील वाली छलनी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आटा लगाना पसंद नहीं होता है, हाथ चिपचिपे हो जाते हैं या किसी और कारण से वो आटा लगाना पसंद नहीं करते हैं या हाथों में इस तरीके से कोई कट लगा हो, तब ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। यहाँ पर है मेरे पास स्टील वाली छलनी, इसकी मदद से मैं आपको आटा लगा के बताने वाली हूँ। आप यहाँ किसी स्पैचुला का भी यूज कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं इसकी जो पीछे वाली डिजाइन है, इससे क्या है आटा आर पार आराम से हो जाएगा, जिससे बीटर वगैरह होते हैं। आप यहाँ बीटर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने छलनी का यूज करके आपको बताया है। थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालना है, जब हम आटा लगाते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा जरूर होता है कि कितना पानी डालना है, तो इतने आटे में लगभग मुझे एक गिलास पानी लगा है। थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा, डिपेंड करता है आप आटा किस तरह का लगाते हैं। मुझे थोड़ा टाइट आटा लगाना पसंद है, बहुत पतला या कहते हैं लस लसी सा गीला आटा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जा रही हूँ और आटा लगा रही हूँ। इसके बाद में छलनी को पलट लीजिएगा, जहां से स्टैंड होता है उस वाले हिस्से से आप इसे मलना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है तो थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे लगाते जाइएगा, एकदम से पानी मत डालिएगा, नहीं तो आटा जो है वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से हल्के हल्के से बस आपने इसे मलते जाना है और देखिए आटा लग के रेडी हो चुका है। अब शुरू में जब हम आटा लगाते हैं ना, जैसे कि अभी मैं कंटिन्यू लगा के आपको दिखा रही हूँ, तो आटा कुछ इस तरीके से सख्त होता है और ये ठीक से ना मुलायम नहीं होता है। हर बार ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं चलनी से करके बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा आटा है वो चले पहले निकाल लेते हैं। अब है ना, जब भी आप लगाते हैं कम से कम 5 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा आटे को रेस्ट करने के लिए। स्ट्रेनर में से हम आटा इस तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे चाहे तो आप हाथों की हेल्प लीजिए, नहीं तो आप यहाँ आटे को डायरेक्ट ढक के रख भी देंगे ना, तब भी ये आटा अच्छे से मुलायम हो जाता है। पर मैं थोड़ा सा हाथ यहाँ पे टच कर रही हूँ ताकि अच्छे से बाइंड हो सके। देखिए आटे को बस हल्का सा ही हाथ लगाया है मैंने, पूरा आटे गूंदने में बस इतना सा मैंने इसे हाथ लगाया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे, 5 मिनट का टाइम दीजिएगा,
रेस्ट करने के लिए, ताकि अच्छे से ये फर्मेंट हो जाए। 5 मिनट तो आपको देना ही चाहिए। इसके बाद में हम इसे ढक देते हैं। 5 मिनट बाद चलिए इसे देखेंगे। आप अगर आटा लगाते हैं या आटा लगा के रख रहे हैं कि दोपहर में खाना बनाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुकिंग ऑयल लीजिए या फिर थोड़ा सा घी लीजिए, थोड़ा सा ही आपको लगेगा यहाँ पर, और इससे ना आप हल्के से आटे को मलेंगे तो आप देख सकते हैं ये आटा वैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट होगा जैसे कि हम हाथों से लगाते हैं। छोटा सा हैक है, इमरजेंसी में आपके काम आएगा, आप इसे जरूर यूज करके देखिएगा। मैं आपको आटा मल के यहाँ दिखा रही हूँ। फाइनली ये जो आटा है बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी है, और जैसा मैं नॉर्मल आटा लगाती हूँ वैसे ही आटा लगा है। आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आटा लगाना, या हाथ में किसी तरह का कोई कट लग चुका है, तो इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। आप देख सकते हैं आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगा। तो मेरे यहाँ भी आज पपीता आया, और ये ना बहुत ज्यादा फीका था, इतना ज्यादा फीका था कि बिल्कुल खाने में यूज ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया, इसे कढ़ाई में लिया, थोड़ा सा पकाया, ये आराम से मैश हो गया। आप चाहे तो मिक्सर में हल्का सा इसे चला सकते हैं। थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क आप इसमें मिलाएंगे ना, तो आप आराम से एक मिठाई बना सकते हैं। मैंने बना के देखा है, काफी अच्छा इसका स्वाद था। तो पपीता फीका आता है, तो आप इस तरीके से ना मिठाई बना सकते हैं, स्वाद बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल मार्केट जैसा इसमें स्वाद होता है।